ये मैंने ना एक योगर्ट ऑर्डर किया था, एथनिक मंगोल योगर्ट था ये, ठीक है। तो योगर्ट ये 1 लीटर की पैकिंग में आया था। ये योगर्ट बहुत अच्छा है, मतलब जो अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट हल्का सा मीठा है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, लाइट सा, इतना स्वीट है कि जैसे बेकरी की आप कोई चीज़ खाते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह फ्रेश, तो इस तरह का इसका टेस्ट है। और योगर्ट में कोई भी सावरनेस नहीं है, खटाई वगैरह नहीं है। तो मेरी बेटी ये योगर्ट बहुत शौक से खाती है। मैं अक्सर इसको जब बाहर जाती हूँ तो मैं ये वाला योगर्ट इसको ले देती हूँ, ठीक है। ये क्लासी किस के नाम से आता है, ये योगर्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, प्लेन योगर्ट की तरह होता है, बस लाइट सा मीठा होता है कि आपको खट्टापन महसूस ना हो। तो और थिकनेस भी इसकी अच्छी खासी होती है, मैं निकाल के दिखा भी देती हूँ। अब मैंने ये कंपैरिजन के लिए इसलिए साथ रखा है, और ये इसलिए बताने के लिए कि ये मैंने 1 लीटर लिया था, ये 15 RMB में मुझे मिला था, और ये 3.3 जो ग्राम है, ये वाला जो योगर्ट है मैं 5.5 RMB में लेती हूँ। एक तो मैंने ये ऑनलाइन लिया था, ऑनलाइन चीज़ें वैसे भी आपको प्राइस वाइज होती हैं बहुत इकोनॉमिकल रहती हैं। ये मैंने शॉप से लिया था तो ये 5.5 RMB का था। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ जाता है, लेकिन समटाइम जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी बेटी इंसिस्ट करती है कुछ खाने के लिए, स्पेशली आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैं बार बार तो उसको आइसक्रीम नहीं देती, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको कोई योगर्ट ले देती हूँ, क्योंकि ये आपके गट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने फिर ये वाला योगर्ट ट्राई किया था, क्योंकि मैंने मंगोल वालों की पहले भी कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, जैसे मैं इनका बटर पहले यूज़ करती थी, देसी घी यूज़ किया मैंने, उसके बाद मैं इनकी एक मिल्क कैंडीज़ हैं, जैसे ये मिल्क की कैंडीज़ होती हैं, ये ड्राई मिल्क को प्रेस करके ना ऐसे पैलेट्स बनाई होती हैं, तो ये भी मेरी बेटी शौक से खाती है। तो ये मैंने इन्हीं की मंगोल की डिफरेंट डिफरेंट ट्राई की थी। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये मिल्क कैंडी है, ये मैंने ऊपर से रैपर कट किया, मिल्क कैंडी ओरिजिनल फ्लेवर, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, सिर्फ मिल्क का टेस्ट आता है। तो ये भी मेरी बेटी बहुत शौक से खा लेती है। और एक ये कि मिल्क तो वैसे भी बच्चों ने खाना ही होता है, तो ये भी मैंने बाय किया था, लेकिन ये किसी और कंपनी का, बस मैंने इनकी पहले कंपनी का यूज़ किया था मंगोल वाली, तो वो भी अच्छा था। तो मैंने इनकी मतलब के जो डेयरी प्रोडक्ट्स की चीज़ें मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब योगर्ट भी ट्राई करूँगी। वैसे मैं खुद भी घर में बनाती हूँ, लेकिन बैकअप में समटाइम ऐसा योगर्ट होना चाहिए। अब ये मेरी बेटी जैसे मुझे इंसिस्ट करिए कि मुझे दो, तो ये बहुत आराम से बच्ची खा लेगी। अरफा तो ये योगर्ट मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप चाइना में रहते हैं और ये वाला योगर्ट ट्राई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, और इकोनॉमिकली प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है ये, ठीक है। वैसे मुझे ये प्रमोशन में मिला था, इस पे कुछ कूपन्स आए हुए थे तो मैंने अवेल किया था आई थिंक, लेकिन इसकी ओरिजिनल प्राइस 25 RMB थी, तो अगर फिर भी 25 में मिलता मैं फिर भी बहुत रीजनेबल 1 लीटर आपके लिए। तो ये मैंने दो पैकिंग ली थी, क्योंकि ये एक मतलब पैकेज ही ऐसा था कि आपको दो ही लेने थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक स्टोर था, उसे मैंने ये ट्राई किया था, इनके पास आपको मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, जो जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, तो उनकी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और ये हलाल भी था, लेकिन ये था फ्रेश क्रीम एंड चीज़ पास्ता सॉस थी, बट लिटरली इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना तो इसमें क्रीम का टेस्ट है ना तो इसमें चीज़ का टेस्ट है। हालांकि मैं क्रीम और चीज़ फ्रेश अक्सर मेरे पास पड़ी होती है, मैं यूज़ भी करती हूँ, तो लेकिन इसमें ना क्रीम चीज ना चीज़ का टेस्ट आता है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये मैंने 14 RMB में ली थी, लेकिन मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, और अभी इस पर कोई पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये 490 ग्राम है, ऑलमोस्ट हाफ लीटर कह लें, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये लिखा हुआ था कि ये ऑस्ट्रेलियन मेड इन ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया ये लिखा हुआ यहाँ पे, मैं क्लोज कर देती हूँ, बट इसका बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं था। अगर ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं तो भी ना लें इसको। तो उसी स्टोर में काफ़ी सारी मल्टीनेशनल चीज़ें थी, ये मैंने उनसे ही बाय किया है। उसके बाद एक ये सीरियल था, और ये था भी बहुत चीपर था, आई थिंक 1 RMB में था। तो डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की ना इस तरह से रेडीमेड इस तरह के पैक्स आते हैं इंस्टेंट फूड्स वगैरह के, तो जैसे यूरोपियन वगैरह वो ज़्यादातर जितने भी है ओट मील्स यूज़ करते हैं, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स होंगे, तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट था। ये मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए लिया था,
तो 55 ग्राम इसका वेट है। ये चाइनीज़ बाद में अपना खुद लेबल लगाते हैं अपनी जो पब्लिक है उनकी सहूलत के लिए, कि उनको पता हो कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह और उनकी जो कैलोरीज हैं या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, ये ज़रूरी होता है। तो इसमें जनाब बनाना ड्राई था और फिग्स के हल्के हल्के छोटे छोटे दाने से डाले हुए थे। फिग्स ओवरऑल नहीं थी लेकिन उसका क्रंची टेस्ट था, बहुत अच्छा था बेशक। हालांकि मैंने मिल्क में ओट को सोक भी किया था फिर भी उसकी जो क्रंचीनेस थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो लिखा भी है कि 2 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं, 2 मिनट्स में वैसे रेडी नहीं हुआ था, थोड़ा इसने टाइम लिया था। मैंने फुल बॉयल्ड मिल्क इसके अंदर डाला था या आप फुल बॉयल्ड वाटर भी डाल सकते हैं। अच्छा जनाब ये तो वैसे मैंने अपनी बेटी को दे दिया था, वो फिनिश कर चुकी है इसको, तो ये अच्छा था प्राइस वाइज भी। और ये भी मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलियन ही था, इस पर क्या लिखा हुआ है ये मैंने चेक नहीं किया था किस कंट्री के, मैंने वैसे ही एक पैकेट ऑर्डर करके देखा था और लिखा हुआ है ग्लूटन फ्री है, ये वेगन है, ठीक है। तो इट वाज गुड। इसी तरह मैंने पहले कुछ ऑर्डर किए थे वो रशियन के थे और रशियन ज़्यादातर अपने ब्रेकफास्ट में इस तरह के इंस्टेंट वो खाते हैं, जो होता है ना मैश्ड पोटैटो का पाउडर सा था वो था, वो भी अच्छे थे, वो मैं किसी दिन शेयर कर दूँगी। तो ये योगर्ट मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है, मैं थोड़ा सा इसको निकाल के भी दूंगी। ये मैंने शाम में भी इसको दिया था थोड़ा सा, डॉक्टर साहब ने भी टेस्ट किया था उनको भी अच्छा लगा था, हालांकि वो खाते नहीं है मीठा, तो प्लेन योगर्ट ही लेते हैं और ज़्यादातर लस्सी पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने खाया था रात में। तो ये मैंने एक स्पून बच्चों का ऑर्डर किया क्योंकि मेरी बेटी अब खुद खाना चाहती है, मेरे हाथ से नहीं खाती। तो ये स्पून मैंने देखा था ऑनलाइन, तो बच्चे खा रहे थे वीडियो में, लेट्स सी कि ये मेरी बेटी खा सकती है कि नहीं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पता बहुत मेस क्रिएट करते हैं खाना खाते हुए, तो वो जो नॉर्मल हम रेगुलर स्पून यूज़ करते हैं वो टेबल स्पून से इतना सही नहीं खाती, आधा फूड गिराती है आधा मुँह में डालती है। तो ये बच्चे प्रॉपरली इसे खा रहे थे इसलिए मैंने ये ट्राई किया। इसके साथ एक फोक भी है वो मैं दिखा दूँ, ये 6 RMB में मुझे मिला था। सो लेट्स सी ट्राई करती हूँ कि वो खाती है इसे कि नहीं खाती। तो मैं थोड़ा सा इसको योगर्ट डाल दिए, इसमें योगर्ट बहुत शौक से खाती है। मेरी बेटी बाहर खड़े हुए इंतज़ार भी कर रही है क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा शोर डाल रही थी, मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने में डिफ़िकल्टी होती है। फिर अब योगर्ट ले लिया और दरवाज़ा बंद करके जा रही है। बाय। अच्छा नेक्स्ट मैंने मेरी बेटी जब मैं एग बॉईल करके देती हूँ ना तो जर्दी निकाल निकाल के बाहर फेंकती रहती है, ठीक है, बहुत मेस क्रिएट कर देती है, पूरा सा खाती भी नहीं है। तो मैंने अक्सर चाइनीज़ को ये अपने बच्चों को अंडे खिलाते देखा था, ये एग्स जो थे बर्ड्स के एग हैं, तो ये मैंने अपनी बेटी को बॉयल करके दिया था तो माशाल्लाह उसने खा लिया था, ये पूरा मतलब मुँह में ले लेती है एक ही सिंगल बाइट के अंदर, तो ये ईजीली खा लेती है। तो ये एग्स मुझे मिले थे, इसमें से मैंने 3 या 4 एग पहले भी बॉयल किए हैं, तो ये मुझे मिला था 6 RMB में पड़ा था। अच्छा तो जो ये एग्स हैं उसने कहा था ये क्वेल्स के एग हैं, जो बर्ड होता क्वेल, तो इसलिए फिर मैंने ले लिए थे, मतलब हम खा सकते हैं। और ये वाले जो एग्स थे ये भी खा लेती है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खाती है, ठीक। उसके बाद जनाब ये मैंने एग्स लिए थे, ये वाले, ये अंडे इतने बेकार हैं, आप जब भी चाइना में अंडे लें बहुत केयरफुली आपने लेने हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये अंडे जब मैं बॉयल भी करती हूँ इसकी जर्दी बहुत अजीब है, इसकी जो वाइट ना योक है वो डिफरेंट है, मुझे नहीं लगता कि ये रियल एग्स हैं, मुझे पूरा श्योर है कि ये कोई सिंथेटिक एग है। अच्छा पता कैसे चलेगा कि ये सिंथेटिक एग है, वैसे तो आपको जब यूज़ करते हैं पता चल जाता है लेकिन ख़रीदते हुए कैसे पता चलेगा, ये बहुत डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि इस चीज़ को पता चलाना। हाँ लेकिन एक चीज़ ये है कि जो अच्छे अंडे हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ऑलमोस्ट आपको डबल प्राइस पे ये देते हैं चाइनीज़, तो बस ये मैं तो सोच के जो वो कहता है कि ये एक्सपेंसिव है वो वाले ले लेती हूँ, अंडों पर भी मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती,
जैसे ये अजीब सा अंदर हिल भी रहा है, और मैं जैसे इसको तोड़ के रखू तो ये नहीं कि एक अंडा बाई चांस है, मैंने पहले भी इतना अंडे तोड़ तोड़ के देखे हैं, ये मैं पूरा इस तरह का एक लेके आई थी इस नेट के अंदर, तो मैं सारे तोड़ तोड़ के जाया कर, तीन सिर्फ मैंने दिखाने के लिए रखे हैं। देखना इतना अजीब सा अंडा होगा अंदर से, ये देखें इसमें हालांकि मिम्ब्रेन भी है, मैंने पढ़ रही थी कि जिसके अंदर मिम्ब्रेन होती है वो नेचुरल होते हैं, वो सिंथेटिक बन नहीं सकते, इतनी बारीक मिम्ब्रेन बनाना पॉसिबल नहीं है, बट और इसकी मिम्ब्रेन भी बहुत अजीब सी है, ठीक है ना, मुझे नेचुरल भी नहीं लगती, और इसकी मिम्ब्रेन साथ ही रिमूव हो जाती है, हालांकि जो दूसरा अंडा होता है उसमें हम ऐसे खींच के उसको निकालते, नहीं देखें इसके इधर मिम्ब्रेन है भी नहीं है, बस ये मिम्ब्रेन थी ये साथ ही निकल आई है, या तो अंडे को बनाकर मिम्ब्रेन के अंदर फिर ये जो कैल्शियम का शेल है उसमें रखा गया, तो ये 100% एग्स जो है ये फेक हैं और सिंथेटिक हैं, और ये देखें ये क्या चीज़ है, पानी सा लिक्विड सा फ्लो कर रहा है, वाइटनेस तो थी ही नहीं इसके अंदर, बस येलो येलो पार्ट था, और इनकी स्मेल भी इतनी अजीब है, ओ माई गॉड। मार्केट में आप जब भी जाएं अंडों को बहुत ही ध्यान से बाय करें, पहले मैं ये समझती थी कि जो अंडे थोड़े से गंदे से बाहर से होते हैं ना शायद वो अच्छे अंडे होते हैं, क्योंकि जब आप जो हैंज होती हैं या डक होती हैं एग ले करते हैं तो डेफिनेटली वो बाहर थोड़े डर्टी हो जाते हैं, लेकिन ये रूल भी मैंने देखा कि गलत साबित हुआ, इन्होंने क्या किया कुछ अंडों को जानबूझ के थोड़ी थोड़ी गंदगी लगाई हुई, और कुछ इतने साफ मैंने डॉट्स आते, मैंने कहा ये ओरिजिनल डॉट्स ना देखो बाहर से बिल्कुल साफ और एक एक जगह स्पॉट लगा हुआ है, इट मीन कि इन्होंने ये भी गेम खेली है। अंडे खरीदते वक्त मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है, मैं बहुत ध्यान से लेती हूँ, और मेरा हर एक को यही सिंसियर एडवाइस है कि जब आप चाइना में एग्स लें तो बहुत ध्यान से लें, चाइनीज जिस अंडे को कह रहे होते हैं ना कि चाइनीज में कह रहे होते हैं चगा था ये हाउच, इट मीन के वो अंडे थोड़े से रियल हैं, हाउची मीन इट्स डिलीशियस, तो डिलीशियस वही चीज़ होगी जाहिर सी बात है जो अच्छी होगी और प्योर होगी, तो वही अंडा लेने की कोशिश करें या जो थोड़े एक्सपेंसिव हो, अदरवाइज जब भी मैंने चीपर एग लेने की कोशिश की वो कभी भी सही नहीं निकलते, हमेशा उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये वाले एग ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे उसने मुझे दिए थे।